Now see question number 10th. In a family photo, the mother, father and son are standing randomly. Mother, father and son standing randomly. Find P of probability of E by F. E, son is standing on one end and father is standing on another end. तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं. In a family photo, फादर मदर फादर एंड सन उसकी सैम्पल स्पेस देख लेते हैं. मदर फादर एंड सन देखिए जरा वो कैसे कैसे स्टैंड कर सकते हैं. सैम्पल स्पेस में क्या आएगा? मदर फादर सन, फादर सन मदर, सन फादर मदर, सन मदर फादर, मदर फादर सन, मदर सन फादर और फादर मदर सन. ये छह कंडीशन बनेगी टोटल आपकी, जिसमें से ई कंडीशन आपको बोला जा रहा है सन इज स्टैंडिंग ऑन एंड, वन एंड, किसी भी एक तरफ एंड में सन स्टैंड करे. तो सैंपल स्पेस में क्या आएगा आपके पास? एम एफ एस, एस एफ एम, एस एम एफ, एफ एम एस. और एफ कंडीशन क्या है आपकी? एफ कंडीशन में आपके पास फादर स्टैंडिंग इन सेंटर. एक मिनट थोड़ा ब्लर है. फादर इज स्टैंडिंग एट सेंटर. तो भैया इसमें सैंपल स्पेस में देख के बताइए क्या बनेगा एफ में. एम एफ एस, एस एफ एम, बस दो ही कंडीशन है. फादर सेंटर में दो ही में है, एम एफ एस और एस एफ एम. नाउ ई, अच्छा यहाँ पर ई भी निकाल लो. पी यानी कितनी कंडीशन है? फोर. टोटल आपके पास सिक्स है, तो 4C1 अपॉन 6C1 डेट इज 4/6. पी ऑफ एफ निकाल लेते हैं, दैट इज 2C1 अपॉन 6C1 डेट इज 2/6. अभी इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे, दैट इज सन इज स्टैंडिंग ऑन वन एंड एंड फादर इज स्टैंडिंग एट सेंटर. ई इंटरसेक्शन एफ कौन कौन आएगा इसमें देखिए जरा. आपके पास ई भी है, आपके पास एफ भी है. तो इंटरसेक्शन में क्या है आपके पास? एम एफ एस और एस एफ एम, एम एफ एस और एस एफ एम. तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा? इट इज 2C1 अपॉन 6C1 दैट इज 2/6. नाउ हमको निकालनी है प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई बाय एफ. हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ. पी ऑफ ई बाय एफ इज पी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ. पी इंटरसेक्शन एफ आपका आपके पास है 2/6 और ये भी 2/6. तो ये बात. In the similar manner, we can see question number 12. What is it? Two cards numbered 1 to 10 are placed in a box, mixed up thoroughly, and one card is drawn randomly. 10 cards hain. There are 10 cards numbered 1 to 10. Kya karna hai iske baad? And then one card is drawn randomly. It is known that the number on the drawn card is more than 3. E condition हम ले लेते हैं, number on one card, on card drawn, on card drawn is more than 3. 3 से बड़ा number होना चाहिए. तो क्या बनेगा E condition में? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या बनेगी? कितनी वैल्यूज है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
तो 7c1 एंड टोटल आ 10c1, 10। अच्छा 1 क्यों आया, मैं आपको बता चुकी हूँ कॉम्बिनेशन, लास्ट ईयर आपने कॉम्बिनेशन से प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी, वही कॉम्बिनेशन का यूज़ किया है। 1 कार्ड ड्रॉ करना है इसलिए c1, 7/10। नाउ सी एफ, एफ कंडीशन क्या है आपके पास, एफ कंडीशन में दूसरी कंडीशन में आपको क्या दिया है कि प्रोबेबिलिटी डेट इट इज़ एन ईवन नंबर। कंडीशन आपको एफ वाली दी है कि नंबर इज ईवन। अब इवन नंबर में क्या आएगा आपके पास, 2, 4, 6, 8, 10। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 1, 2, 3, 4, 5, 5c1/10c1, 5/10। वॉट यू हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज इवन एंड नंबर इज इवन एंड नंबर ड्रॉन ऑन कार्ड इज एंड इट इज नोन, इट इज नोन मतलब इट इज गिवन दैट कार्ड ड्रॉन हैज नंबर मोर देन थ्री। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, इवन नंबर यानी एफ कंडीशन ऊपर जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है वो न्यूमरेटर में आता है और जो ऑलरेडी अकर्ड होता है वो नीचे होता है, तो पी एफ आई। अच्छा हमने इंटरसेक्शन तो निकाला ही नहीं, सॉरी हमको इससे पहले इंटरसेक्शन निकालना था, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख लेती हूँ आपको, अभी इतने सारे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है, या फिर हम लिख लेते हैं उसके बाद निकाल लेंगे। एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन पी ई, इसको वन दे दीजिए। तो पहले ई इंटरसेक्शन एफ हम निकाल लेते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ को पहले टेक्स्ट में भी लिखना कि नंबर जो है इवन है एंड कार्ड हैज नंबर मोर देन थ्री। इसमें आपके पास जो ई इंटरसेक्शन एफ आएगा वो क्या आएगा, 4, 6, 8 और 10। तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या आ जाएगा आपके पास, 4 है, 4c1/10c1, दैट इज 4/10। पुट इट इन वन, वन में पुट कर दें, पुटिंग इन वन, तो पी एफ बाय ई इक्वल्स टू 4 बाय ई में क्या था आपके पास, 7, 4/10/7/10, सो इट इज 4/7। नाउ सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट इज इट, अ डाइज इज थ्रोन थ्री टाइम्स, इवेंट ई एंड एफ आर डिफाइंड बिलो। ई क्या है, फोर ऑन, देखिए थ्री टाइम्स डाइस को थ्रो करना है और ई कंडीशन है 4 on 3rd throw, 3rd throw पे 4 चाहिए। तो ई कंडीशन में क्या आ जाएगा, देखिए बहुत सारे टर्म्स बनेंगे, 1, 1, 1, 1, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4, 1, 4, 4, 1, 5, 4, 1, 6, 4, फिर 2, 1, 4, 3, 1, 4, 2, 2, 4, 2, 3, 4, 2, 4, 4, 2, 5, 4, एक को कांस्टेंट कर दिया और एक को वेरिएट करते रहे। इसी तरह 3, 1, 4 से आएगा 3, 6, 4 तक, इसी तरह आपको 4, 1, 4, 4, 2, 4 अप टू सो ऑन चलेगा 4, 6, 4 तक, फिर 5, 1, 4, 5, 2, 4, 5, 6, 4, 6, 1, 4, 6, 2, 4 अप टू 6, 6, 4, ये हो गई ई कंडीशन। एफ कंडीशन में क्या दिया है आपको, 6 on 1st and 5 on 2nd throw, 6 on 1st and 5 on 2nd throw। तो 6 फर्स्ट कंडीशन पे, तो 6, 1, 1, 6, 1, 2, 6, 1, अच्छा 5 3rd, 2nd पे चाहिए, 6, 5, 1, 6, 5, 2, 6, 5, 3, 6, 5, 4,
655656। अब आपको जो फाइंड करना है वो क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी बेटा, पीई की कितनी कंडीशन बनी, 1 2 3 4 5 6, 36। तो पी आपका बना है 36 सी वन अपॉन, टोटल होती है 216, तो 36 अपॉन 216। इसी तरह एफ क्या बनेगा, पी ऑफ एफ, सिक्स कंडीशन बनी 6C1 अपॉन 216C1, दैट इज 6/216। तो फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन, ई गिवन दैट, गिवन क्या है, एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। That is P of E by F, P intersection F upon PF. P intersection F is, intersection तो निकाला नहीं, पहले intersection निकाल लेते हैं। यहाँ पर E intersection F क्या बनेगा भैया, E intersection F बनेगा, ध्यान से देखिए, दोनों में कॉमन आप देखेंगे तो लास्ट में 4 चाहिए, वो सिर्फ एक ही में आया है, 654। तो probability of E intersection F क्या आएगा, इट इज 1C1 अपॉन 216C1, दैट इज 1/216। ये कितना आ गया आपका, इंटरसेक्शन एफ 1 अपॉन 216 एंड 6 अपॉन 216, दैट इज 1/6। दैट विल बी योर आंसर।